तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम खेलने वाले हैं दोबारा से स्ट्रे। एंड जैसा कि गाइस आपको लास्ट वाली वीडियो के अंदर याद होगा कि हमने जो है गाइस यहां पर रूफ टॉप, जो मतलब आपको याद होगा कि लास्ट वाला जो हमारा चैप्टर था ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड था। कि हमें जो है चार तरह के अलग अलग बुक्स जो है वो लेकर आने हैं, वो भी मोमो के लिए। तो अब आपको पता नहीं होगा कि मोमो कौन है, लेकिन जिन जिन लोगों को मतलब जिन जिन लोगों ने लास्ट वीडियो एकदम पूरी शुरू से लेकर एंड तक देखी है, उनको पता होगा कि मोमो कौन है। और मोमो जो है गाइज एक ऐसा रोबोट है, अगर मतलब जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। जो लोग नए हैं तो उन लोगों को बता रहा हूँ कि मोमो एक ऐसा रोबोट है जो कि गाइज इस डेड सिटी से मुझे निकालेगा एंड एकदम मतलब गाइज एकदम सही जो है एक सेफ जगह पे लेकर जाएगा, जहाँ पर गाइज मेरी बाकी की फैमिली है। अब मैं एक कैट हूँ तो बाकी के जितने सारे कैट हैं ना, उनके साथ जो है मुझे मतलब उनके पास दोबारा से जाना है। तो इसीलिए गाइज इस सीरीज़ को यहाँ से मैं दोबारा से एंड कर रहा हूँ। और यहाँ पर गाइज तुम लोगों को नीचे दिख रहा होगा 55 मिनट्स एंड 53 सेकंड्स की जो है मैंने गेम खेला है, ठीक है। टोटल टाइम है, फुल टोटल टाइम। बाकी गाइज यहाँ से जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अभी जो है हमें क्या करना है, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि मोमो ने वो ट्रांसीवर बना दिया था जब मैंने उसको चारों के चारों दोस्तों की बुक्स ला के दे दी थी। उसके बाद जो है उसने अपना ट्रांसीवर भी बना दिया था एंड अब वो चाहता है कि मैं इस ट्रांसीवर को जो है ले जाऊं सामने, जो बड़ी बिल्डिंग आप वो देख रही है ना, दो लाइटों वाली, वहाँ तक मुझे इसको लेकर जाना है। ओके, प्लेस दिस थिंग ऑन द हाइस्ट एंटीना ऑफ द टॉल बिल्डिंग ओवर देयर, दी विल बी गिव अस अ परफेक्ट कम्युनिकेशन रिले। तो गाइज मोमो चाहता है कि मैं उसके दोस्त को बचाऊं जो कि यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस फिराद में जो है वो गायब हो गया है, मतलब कंफर्म नहीं कर सकते कि वो मर चुका है। और यहाँ पर जो है हमें उसके कम्युनिकेशन करने के लिए और हमें यहाँ से निकालने के लिए इस ट्रांसीवर को जो है हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा, और कोई भी रास्ता नहीं है। तो यहाँ से जल्दी से इसको एंड करते हैं और अभी चलते हैं गाइज सामने वाली बड़ी बिल्डिंग के अंदर। तो मुझे तो सबसे पहले इतना ही पता है कि सीधा सीधा जाना है, क्योंकि गाइज अगर सीधा रास्ता नहीं मिलेगा तो तभी जाके गाइज हम लेफ्ट और राइट को चुनेंगे, ठीक है। बाकी यार गाइज जो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना एंड ज़रूर से जो है गाइज कमेंट करना कि आपको ये गेम कैसा अच्छा लगता है, मतलब पसंद भी है या नहीं। और इसी के साथ ही गाइज हमारा नया जो चैप्टर वो स्टार्ट हो गया, जिसका नाम है गाइज रूफ टॉप। बाकी गाइज इस चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा गाइज ये चूहे होने वाले हैं, क्योंकि गाइज इनसे बचना एकदम इम्पॉसिबल है। सो लेट्स गो गाइज, चल 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 चल। अबे नहीं यार, नहीं 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 अरे नहीं यार गाइज, एक तो ये आल्ट जो है ना गाइज ये बहुत गलत जगह पे लगा हुआ है, क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ? एक मिनट गाइज, मुझे ज़रा एक बार की मैपिंग जो होती है ना गाइज वहाँ पर जाना है, अगर वहाँ पर मतलब कीबोर्ड के बटन्स होते हैं ना तो उसको मैं चेंज। ओके गाइज, तो यहाँ पर चलते हैं सेटिंग्स में एंड कंट्रोल्स में गाइज, एंड कंट्रोल्स में कहाँ पर है यार, रन मोड होल्ड, अरे नहीं रिबाइंड, इसका क्या मतलब? अच्छा ये रहे गाइज, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर आल्ट को तो कोई पता ही नहीं है गाइज, आ ये रहा गाइज लेफ्ट आल्ट आए, इससे तो म्याऊं भी करते हैं ना। चलो कोई बात नहीं, इसके लिए मैं राइट क्लिक चुनूंगा, ठीक है, ताकि ये राइट क्लिक से जो है बाकी के जो इसके ऊपर चूहे जो अटैक कर रहे हैं ना, बाकी के जो चूहे इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं ना, वो ईजिली जो है इससे दूर हटे, क्योंकि गाइज ख़तरा भी हो सकता है ना गाइज एक तरह। गाइज क्यों ना मैं इस साइड से जाऊं, क्योंकि ये जो साइड है ना यहाँ पर कोई भी चूहा नहीं है। अरे भाई साहब दोबारा से घूम के जाना पड़ेगा अभी, अब मुझे नहीं पता गाइज के आगे और कितने आने वाले, लेकिन वो बिल्डिंग के अंदर गई यार, मैं बिल्डिंग से दूर क्यों जा रहा हूँ? ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर आ चुके हैं वो बिल्डिंग, अच्छा वो रही है गाइज, यानी मैं एकदम सही जा रहा हूँ। तो जल्दी से यहाँ से जंप करते हैं, यहाँ से भी जंप करते हैं, और यहाँ पर कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, पता नहीं क्यों। एक मिनट क्या मैं, अच्छा ठीक है यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये जो सिटी है ना, एक अच्छी बात इसमें ये है ना, यहाँ पर रास्ते काफ़ी ज़्यादा है। बाकी इस रोबोट को जल्दी से इसकी मेमोरी भी जो है हमें साथ साथ याद दिलानी है, मतलब इसमें सिर्फ दिमाग लगाना है और कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो मैं मुझे पता चल चुका है यहाँ पर से जो इसको थोड़ा सा आगे करूँगा, कि मैंने फुल ही आगे कर दिया ताकि फिर बाद में जो इसको दोबारा से ना करना पड़े। एंड इसी के साथ ही भाई साहब ये बिल्ली है स्पाइडरमैन, वैसे असल जो बिल्लियाँ मैंने देखी है ना वो कुछ कुछ जो है डरती हैं, और जो नहीं डरती वो भी इतने लंबी चलांगे नहीं मार सकती, लेकिन फिर भी जो है ये बिल्ली काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। और गाइज यहाँ पर ये देखो गाइज ये कैसा वायरस है। ऑल राइट, तो गाइज यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे चूहे हैं, ये देखो भाई साहब ये तो मुझे मारने पर तुले हुए हैं।
और यहाँ पर गाइस मुझे इस डोर को हैक करना ही पड़ेगा। यहाँ पर गाइस ये ओके रोबोट ने वो अच्छा वो खोल दिया, ये बंद कर दिया है। तो गाइस अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो अभी से मुझे रास्ता देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सामने मेरे को एक ही चीज़ दिख रही है, एक मिनट, क्या वो बॉक्सेस काम करेंगे? लेट्स गो गाइस। अरे ठीक है, मुझे पता चल चुका है गाइस, मुझे पता चल चुका है कि मुझे क्या करना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी इस डोर को मुझे यहाँ से बंद करना है ताकि पीछे वाला जो है वो बंद हो जाए। एंड यहाँ पर से निकल 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 निकल। भाई साहब क्या चीज़ है यार कसम से। अबे एक छोटा सा रह गया गाइस इसमें से। इसी के साथ गाइस जहाँ से मैं आ चुका हूँ ऊपर और यहाँ से भाई साहब कितना ज़्यादा ऊपर आ चुका हूँ मैं। तो आई थिंक अभी मुझे यहाँ से जाना है। एंड ठीक है, ये रहा गाइस वो बिल्डिंग। एंड अभी गाइस सामने ऊपर एंटीना देख रहे हैं ना, वहाँ तक गाइस हमें पहुँचना है। अब वहाँ तक पहुँचने में गाइस हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसीलिए गाइस यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर और भी काफ़ी ज़्यादा ये देखो गाइस। तो इन छोटे चूहों की वजह से ये पूरी सिटी जो है ये नियो मतलब ये डेड सिटी जो है बर्बाद हो चुकी है इनकी वजह से। ओके गाइस, तो मुझे सामने रास्ता दिख चुका है, मुझे नहीं डरना। ओके डरना तो मुझे नहीं है, यहाँ से इसको करते हैं आगे। रास्ता मुझे दिख चुका था इसीलिए मैं इतनी स्पीड से आ गया। बाकी यहाँ से चलते हैं अंदर। भाई साहब ये क्या बना है यार ये जगह, मतलब सब जगह खून ही खून है। शायद यहाँ पर पहले इंसान रह चुके हैं आई थिंक। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ एंड यहाँ पर जो है अपनी रोबोट की याददाश्त लाने के लिए इसको मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है आगे आ चुका है, बस अभी मुझे यहाँ से निकलना है, यहाँ से जंप करना है। भाई ये ऊपर वाली जगह जो है मैंने देखी नहीं थी इसीलिए मैं अभी देख रहा हूँ। और नहीं यार फिर से देख लिया इन लोगों ने। आ जाओ आ जाओ, तुम जिस लाइन से आओगे ना मैं उस लाइन से आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है ठीक है, इन लोगों ने तो मुझे पकड़ लिया। बाकी यहाँ पर जो रास्ता मुझे दिखता है ना अपनी सेफ्टी के लिए पर जो है मैं चढ़ जाऊंगा, कितना जा रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए गाइस हम आ चुके हैं उस जगह पर जहाँ पर हमें आना था। एंड यहाँ पर गाइस कसम से बोल रहा हूँ ये वाली जगह थी बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। नीचे चूहे देखो जरा तुम लोग, कितने ज़्यादा थे, पता नहीं ये रोबोट चूहे हैं या क्या है। शायद यही है गाइस वो वायरस जिससे सारे रोबोट डरते हैं, इसीलिए रोबोट सिटी में जो है उधर ज़्यादा नहीं थे यहाँ पर ज़्यादा। तो बेशक ना खुली लेकिन मैं यहाँ से चला गया हूँ। ओके तो अब क्या करना है, हेयर इज़ द टॉप ऑफ ट्रांसमीटर ऑफ दिस एंटीना। ओके क्या यहाँ पर मुझे करना है, इसको मुझे यहाँ पर लगाना है यहाँ पर, ठीक। भाई साहब लगा दिया है। एंड अभी जो है यहाँ पर लाइटें जल रही हैं सारी की सारी जितनी भी है, गया काम से गाइस। यहाँ पर अब कुछ ना कुछ तो होने वाला है, एक मिनट तभी मैं यहाँ से जाने वाला। अच्छा ठीक है, तो हमें दोबारा से जाना पड़ेगा मोमो के पास ताकि उससे पूछ सके कि अभी आगे क्या करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि अभी और क्या क्या करना है हमें। लुक द व्यू, इट्स ब्यूटिफुल फ्रॉम हेयर, आई रिमेम्बर नाउ द सिटी इट्स मीन टू बी अ शेल्टर। तो ये रोबोट कह रही है कि अभी देखो ये सिटी कितनी खूबसूरत लग रही है। लुक लाइक स्टार्स बट दे ओनली लाइट मार्किंग द हर्मेटिक रूफ। लेकिन गाइस हमें किसी भी तरह से यहाँ से निकलना है बेशक ये खूबसूरत है या नहीं, क्योंकि हमारा घर यहाँ पर नहीं है। ओके लेट्स गो बैक एंड फाइंड मोमो नाउ दैट कनेक्टेड द ट्रांसमीटर वी शुड बी एबल टू गेट। जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। एंड 18% इसकी याददाश्त वापस आ चुकी है, ठीक है इस रोबोट की। बाकी फुल स्पीड में जाएंगे मोमो के पास। ये देखो गाइस इससे बड़ा वाला जो है गाइस बकेट जो वो मैंने आज तक नहीं देखा, ठीक है। ये देखो कितनी बड़ा है गाइस ये देखो। और भाई साहब हम पहुंच भी गए भाई। तो गाइस हम आ चुके हैं द स्लम्स पार्ट 2। तो हम मोमो के घर पे दोबारा से आ चुके हैं। एंड मोमो किधर है यार, लुक एट द नोट, एक मिनट यहाँ पर एक नोट है। लिटल आउटसाइडर इफ यू रीड दिस दिस मीन्स यू विल स्टिल हेयर, एक्सीलेंट। आई टुक सम इक्विपमेंट टू द बार टू टेक एडवांटेज ऑफ देयर एंटीना, कम मीट मी देयर। ओके तो यहाँ पर जो है हमारा अगला चैप्टर भी स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर जो है मोमो ने यहाँ पर एक अपने जो टीवी ना उसकी ख़राब टीवी के ऊपर उसने एक पेज में लिखा हुआ है कि उस एंटीना से जो है मैं उस ट्रांसीवर जो तुम लोगों ने लगाया उस एंटीना से जो है मैं कम्युनिकेट करने के लिए कुछ सामान चाहिए, जो कि गाइज मैं नीचे जाके ले रहा हूँ, तो तुम लोग भी वहाँ पर मुझसे मिल लेना। लेकिन गाइज आज की वीडियो इधर ही एंड कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ गाइज कि आपको आज की ये वाली वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से जो है सब्सक्राइब कर देना। बाकी यार गाइज मिलते हैं अपने अगली वाली वीडियो में, देखते हैं कि भाई साहब हम यहाँ से कैसे सिटी से निकलते हैं, क्योंकि ये सिटी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा जो है गंदे जो है रैबिट से भर चुकी है। तो
हो सकता है मे बी हम यहाँ से निकलने के बजाय इन सब रैबिट्स को भी ख़त्म करके जाए, पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो गेम की स्टोरी है वही होगी। ठीक है, बाकी यार गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में, तो टिल देन टेक केयर एवरीबडी एंड बाय बाय।